ही सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स, ये तो हर एक ऑपरेटर्स के बारे में पता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिमाइंडर ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इस तरह के सारे ऑपरेटर्स। जो मोस्टली प्रॉब्लम चलती है ना वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में चलती है। तो इसलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि ये क्या होती हैं जी। इसकी फर्दर दो टाइप्स आती हैं, नंबर वन पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का सबको पता है कि प्लस प्लस माइनस माइनस आर कॉल्ड इंक्रीमेंट कम डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या आता है, जो पोस्टफिक्स होता है उसमें आपका ऑपरेटर बाद में आता है और जो प्रीफिक्स होता है इसमें आपका ऑपरेटर पहले आता है। ये भी जोन सा है, ए प्लस 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 ए परफॉर्म सेम ऑपरेशन, दैट इज बोथ बाय वन। दोनों जोन से है ना वेरिएबल में ए का इंक्रीमेंट कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, सी सी प्लस प्लस में कोई भी चीज़ है ना, चाहे वो दोनों सेम ही क्यों ना हो, उनकी आउटपुट बेशक दोनों के करने से एक जैसी क्यों ना आ रही हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई लॉजिकल डिफरेंस जरूर होता है। क्लियर? अब वो डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको ना यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जो मैं यहाँ से ना फिर अच्छा खासा इसका ना बेनिफिट भी पता चलेगा कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस में फर्क कहाँ पे आता है। सबसे पहले इसका ना इधर हम एक प्रोग्राम राइट करते हैं, ये है जी, ये भी मैंने कमेंट में कर दी है। यहाँ पे हम एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेते हैं ए, और यहाँ पे हम करवा लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू 12 सी आउट ए एंडल कर देते हैं जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए प्लस प्लस, अब ये वाली जो लाइन है इसकी आउटपुट बताएं, इसकी बताएं, इसकी बताएं। सबसे पहले इसकी जी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि 12 12 12 होती है या 12 13 12 होती है या 12 13 13 होती है, ये 12 12 13 देखते हैं जी इसकी आउटपुट है क्या, फिर हम इस आउटपुट को एक्सप्लेन करते हैं कि जी कैसे बनी है। ये जी 12 12 और 13, ठीक है जी। अब जिसने बताई है जी 12 12 12 वो भी गलत, जिसने बताई है जी 12 13 13 वो भी गलत। अब क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि भाई ये क्या साइंस क्या हुई है कि जिसमें पहले में तो ठीक है 12, पहली तो सबकी ठीक है, दूसरी और तीसरी में डिफरेंस कहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने समझनी है, इसमें से एक प्रोग्राम आपको ना लाजमी आता है ए प्लस प्लस, अगर वो पोस्ट हो रहा है या प्री हो रहा है दोनों में उसने जो ऐड करना है ना उसमें उसने ए को ही अपडेट करना है। ये जो बेसिकली ये वाली लाइन है ना ए प्लस प्लस, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस वन। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, ए में आपकी वैल्यू पड़ी हुई है 12, 12 प्लस वन 13, ए में आपका 13 चला गया, इट मीन्स के ए आपका अपडेट हो गया। क्लियर? एक तो ये है, एक आप ये वाली लाइन लिखना है या दूसरा आप लिखते हैं ए प्लस प्लस किसमें। बिल्कुल, अब इसी को हम ना आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये आपने बताई 12, यहाँ पे हमें मिल गई 13। अब उसके बाद अगर मैं ये वाली लाइन राइट करता हूँ सी आउट ए प्लस प्लस एंडल प्लस प्लस ए एंडल, अब इसकी क्या आउटपुट मिलेगी, और लास्ट पे मैं इधर लिखता हूँ
ए हैंडल। अगर आपने इसकी आउटपुट बता दी तो इसका मतलब है कि आपका ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो गया है, चेंज नहीं होगा। चलें जी, अब पहले आपकी आउटपुट देखते हैं, 12 12 13 तक तो ठीक है। अब देखते हैं 14 15 15 डिस्प्ले करता है कि नहीं करता। जी है जी, वो बड़ा टाइम लग जाना फिर। अब ये जी, पहले में 12, दूसरे में 12, तीसरे में 13, यहाँ तक तो हम ठीक थे। अब आपने लिखवाई थी 14, यहाँ पे आ गया 13, फिर आपने आगे लिखवाई है 15 और आगे 15 नहीं। अब नेक्स्ट पे जाके वैल्यू चेंज होनी थी। अब असल में आप जो बातें कर रहे हो ना, वो बातें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक हैं, उसके ऊपर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब जहाँ तक जो फोर्थ नंबर पे 13 है ना, आपने वहाँ पे 14 लिखवाया था लेकिन उसने 13 लिखा था, यानी कि कंपाइलर ने इसको 13 बताया, ये 15, ठीक है ना। आउटपुट करते हैं खत्म, वैल्यू करेंगे हम इसकी चेंज, और आपको मैं बताता जाऊंगा कि हर स्टेप पे ना ये काम कैसा करता है। इसकी हम जो है ना ये वाली 12 की जगह पे हम लिख लेंगे 31। अब जब सी आउट पे आएगा ए पे, इसने सबसे पहले तो मुझे 31 शो कर देना, जो चीज ए में पड़ी है उसने मुझे यही चीज डिस्प्ले करके बतानी है, ठीक है। अब जब इस लाइन पे आएगा ना, सी आउट ए प्लस प्लस वाली लाइन पे, सबसे पहले उसने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए में इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, यही होता है ना, ए प्लस प्लस का मतलब यही है कि ए में 1 का इंक्रीमेंट कर दो बैक एंड पे उसने। अब जब उसने 1 का इंक्रीमेंट किया ना, तो ए में वैल्यू 32 चली गई है, ए वेरिएबल अपडेट हो गया हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि ए सबसे पहले आ रहा है, अपडेट होने से पहले वाली वैल्यू वो डिस्प्ले कर देगा, और जब प्लस प्लस उसको बाद में मिलेगा ना, उसने ए की अपडेटेड वैल्यू को ए में स्टोर कर देना है। दैट इज ए 31 से अब 32 बन गया हुआ है। यहाँ पे मैंने अब लिखा ए, ए में अब जो सी वैल्यू बनी हुई थी वो 32 थी, उसने इधर इसको 32 रख दिया, क्लियर। अब वो दोबारा यहाँ पे आया, यहाँ पे उसको जाकर मिला सी आउट ए प्लस प्लस, दैट इज सी आउट ए, ए में जो वैल्यू थी वो 32 थी, उसने सबसे पहले 32 को डिस्प्ले किया है, देन उसने प्लस प्लस परफॉर्म करके ए को अपडेट कर दिया विद 33। अब ए में क्या पड़ा हुआ है, 33 है। अब यहाँ पे जब उसको दोबारा प्लस प्लस ए मिला, इट मीन्स कि अब वो 33 को पहले अपडेट करेगा 34, और देन वो ए को डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज ये इधर 34 अब मुझे डिस्प्ले कर रहा है, इधर भी ये मुझे 34 डिस्प्ले कर रहा है। अब हम इसी को विद नेगेटिव नेगेटिव करके देखते हैं जी, नेगेटिव नेगेटिव। अब ए में 34 था, 34 में से 1 माइनस किया उसने, इधर उसने इसको 33 कर दिया, 33 किया ए माइनस माइनस एंडल एंडल। अब ए में उसने जब 33 कर दिया, यहाँ पे वो दोबारा आया ए माइनस माइनस वाली लाइन पे, सबसे पहले उसको ए मिला, ए में वैल्यू 33 थी, उसने बाद में इसको माइनस करके 32 कर दिया, उसने मुझे दोबारा यहाँ पे 32 शो करके दिखा दिया। अब देखते हैं कि इसमें ये मुझे क्या डिस्प्ले करके बताएगा। आप इसको अपने लैपटॉप पे करके देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक बता रहा है कि गलत बता रहा है, यानी कि असल मकसद ये नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो ठीक हो। ये 31 31 32 32 34 34 33 33 और 32, यानी कि जो मैंने ये आउटपुट डिस्प्ले की है और जो इसने की है वो बिल्कुल सेम सेम हो गई है, ठीक है। आप पूछें क्वेश्चन क्या है यहाँ पे किसी का इस लाइन के बाद। नहीं, दो दो डिजिट इंक्रीज नहीं हुआ है, जो तो हमने ऑपरेशन ही ऐसा किया है कि उसको दो डिजिट करने पड़ गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे ये है ना, यहाँ तक तो पता चल गया ना 32 है, ए में क्या पड़ी हुई है वैल्यू, अब यहाँ पे मैं आपको ना ए इज इक्वल टू 32, ये मेमोरी में पड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, ए में यहाँ तक 32 है। अब ये जब इसको मिला ना ए, ए का मतलब है ए को डिस्प्ले करो, उसने ए को डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने इसको प्लस प्लस किया है, ए में वैल्यू पड़ी हुई थी 32 प्लस 1 कितना बन गया 33, ये मेमोरी में उसने इसको अपडेट कर दिया 33 के साथ। अब वो दोबारा नीचे आया, यहाँ पे इसको मिल रहा है प्लस प्लस ए, वो कह रहे कि अब ए में ए का मजीद इंक्रीमेंट कर दो, ए में पहले पड़ा हुआ था 33
उसने फिर इसको 34 कर दिया और देन उसने इसको डिस्प्ले किया। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस पहले आ रहा है, ऑपरेशन प्लस प्लस का पहले परफॉर्म होगा और ए को बाद में डिस्प्ले कर रहा है, इसलिए उसने इधर 34 करके मुझे डिस्प्ले करके दिखाया। और इस लाइन में मैं सिंपल ए ही राइट कर रहा हूँ, इट मीन्स कि अब ए में जो वैल्यू पड़ी है 34 मुझे वो राइट करके बताएगा। फिर माइनस माइनस ए कर रहा हूँ, 34 में से एक निकल गया 33, उसने मुझे 33 डिस्प्ले कर दिया। देन उसने मुझे सबसे पहले ए डिस्प्ले किया 33, फिर उसने माइनस माइनस कर दिया, यहाँ पे उसने इसको 32 अपडेट कर दिया, यहाँ पे ए था उसने मुझे 32 डिस्प्ले करके बता दिया। यानी कि ये जो ए प्लस प्लस है ना, ये दो काम परफॉर्म करता है, डबल काम कर रहा है। एक तो ये कि एक में वन का इंक्रीमेंट कर रहा है और दूसरा ए वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, दो काम कर रहा है ये। ठीक है, प्लस अलग चीज़ है और अपडेट अलग चीज़ है। जैसे अगर यहाँ पे मैं अगर लाइन राइट करता हूँ ना, ये मैंने लिखा जी ए प्लस प्लस से पहले सी आउट ए प्लस वन दिस वन, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये मुझे 31 के साथ यहाँ पे ना 32 पे डिस्प्ले करेगी, लेकिन नीचे 31 करेगी। क्यों? ए प्लस वन का मतलब है कि ऑपरेशन करे बट अपडेट ना करे, ए प्लस प्लस का मतलब है कि इसने ऑपरेशन भी कर दिया प्लस अपडेट भी कर दिया, दो काम ये परफॉर्म करता है। ठीक है जी, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि प्लस वन, ए प्लस वन जो उसने किया ना, सिंपल उसने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए को अपडेट नहीं किया। अपडेट करने के लिए जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है ना, ये यूज किया जाता है, अपडेशन जो करता है। इसलिए ये इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं जब इस तरह की आउटपुट आती है ना देखने के लिए, वो अपने ही लगाते हैं ये प्लस प्लस है जी, ये शो कर दिया और ये माइनस माइनस है ये शो कर दिया। इसकी समझ आई इस प्रोग्राम की? आप उसको खुद साथ साथ आप इसकी आउटपुट लिखते जाएंगे ना रफ पेपर पे, तो आपको उसकी समझ भी आती जाएगी। एक भी आपने गड़बड़ की, नीचे सारी आउटपुट गड़बड़ कर जाएगी। ठीक है जी,